हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार, धमाकेदार वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट हो, अगर आप अपकमिंग बैच के स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, या ऑलरेडी ग्रेजुएट रिसेंट में अभी हो चुके हो, अभी तक आपकी जॉब नहीं लग पाई है, आप जॉब सर्च कर रहे हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में, या किसी स्टार्टअप में, या इंटर्नशिप के लिए सर्च कर रहे हो, या ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपको ऑफ कैंपस से ड्राइव से रिलेटेड डेली अपडेट ऑनलाइन करियर पोर्टल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसमें अभी भी कंपनियों की जो लिंक है वो एक्टिवेट है, अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है। तो मैं सारी जॉब अपॉर्चुनिटी को एक साथ ही अपने लिंक्डइन के ऑफिशियल, जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे पोस्ट कर दिए। अभी तक आपने लिंक्डइन पे नहीं फॉलो किया है तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना, साथ में लिंक्डइन के करियर पेज को नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। तो कल मैंने यहाँ पे लगभग कई सारी कंपनियों की, अगर हम बात करें TCS BPS बिजनेस के लिए, SNHR काउंटर, GNC काउंटर, GNC फॉर द प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए, प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए, अगर हम बात करें डेटा सेंटर हायरिंग 2022 और 23 के लिए कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग यहाँ पे हो रही है फॉर द इंटर्नशिप इंजीनियरिंग, सर्च रिसर्च इंटर्नशिप इंजीनियरिंग के लिए कर रही थी। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और यहाँ पे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो फटाफट जाके चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो इसकी भी लिंक आपको लिंक्डइन की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट करके इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड में, और जिनको अभी जॉब की नीड है, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। और चलो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने ऑनलाइन कैरियर पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेकआउट नहीं किया है, तो रिसेंट में मैंने, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 वीक हुआ इसे लॉन्च किए हुए, तो इसमें इम्प्रूवमेंट अभी चल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन होने वाली हैं, जो अपकमिंग टाइम में आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो जो भी अपडेट आती है रिसेंट में, मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे अपडेटेड हो, आप बने हुए इस साइड के साथ, तो सारी अपडेट आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑफ कैंपस ड्राइव बाई बैच के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग, और फ्री कोर्सेज, अगर कोई सर्टिफिकेशन फ्री कोर्सेज किसी कोई कंपनी लॉन्च करती है, जैसे TCS ने अभी लॉन्च किया था, तो यहाँ से आप फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। साथ में यहाँ पे ब्लॉग्स का भी ऑप्शन है, ब्लॉग यहाँ पे ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो भी कंपनियाँ का प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, कैसे हायरिंग करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, क्या उनकी CTC होती है, क्या सैलरी होती है, क्या बेस सैलरी होती है, कितने टोटल आप इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, और असेसमेंट टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड आपको रिसोर्सेज भी फ्री वाले देखने को मिलने वाले, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट करना, और जितनी भी जॉब अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो जाके चेकआउट करना, क्योंकि अभी भी कंपनियों की लिंक एक्टिवेट है। और बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जिसको अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, हो सकता है वीडियो में डिस्कस ना हो पाए, तो सारी अपडेट आपको इसी साइड पे देखने को मिलने वाली है, तो इसके साथ अपडेटेड जरूर रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैडेंस कंपनी फॉर द इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए हायरिंग कर रही है। लोकेशन की बात करें तो अहमदाबाद लोकेशन के लिए होने वाली है, फुल टाइम इंटर्नशिप होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, BBTEC और MTEC डिग्री के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन रिक्वायरमेंट की बात करें, फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड डिजिटल एनालॉग स्किल, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्किल होनी चाहिए, एक्सीलेंट एल्गोरिथम स्किल, टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक टीम में वर्क करना है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप आफ्टर द इंटर्नशिप आपको कंपनी की तरफ से, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो PPO भी मिल सकता है, तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। अगर आप फ्रेशर हो तो जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अडोब कंपनी की तरफ से आ रही फॉर द 2023 इंटर्न, प्रोडक्ट इंटर्न यहाँ पे होने वाली है। अगर आप प्रोडक्ट इंटर्न के लिए जॉब सर्च कर रहे थे, इंटर्नशिप सर्च कर रहे थे, तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन अडोब कंपनी की तरफ से यहाँ पे
होने वाला है, तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप फॉर द प्रोडक्ट इंटर्नशिप यहाँ पे होने वाली, तो मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप इंटर्न स्टूडेंट हो, परसुइंग कर रहे हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप सब यहाँ पे चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। वैसे और भी कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी की तरफ से मेंशन नहीं किया गया है, और भी बहुत सारी इंटर्न्स इसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो, जाके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एचपी कंपनी की तरफ से आ रही है, फॉर द फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आ रही है। जितने भी नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी कंपनी की तरफ से। बेंगलुरु लोकेशंस के लिए ये ओपनिंग से देखने को मिल रही है, फटाफट जाकर अप्लाई कर देना। फर्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री विद फोकस इन ए बिजनेस और इकोनॉमिक सेगमेंट आर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, 0+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल एनालिस्ट में है, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस होना चाहिए, बेसिक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। गुड बिजनेस अप्लीकेशन स्किल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट स्किल जैसी टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड टीम वर्क यहाँ पे स्किल होनी चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी की तरफ से मेंशन नहीं किया गया है, बट मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो यहाँ पे सारी कंपनियाँ जिसे रखती हैं वो होता है 60% या उससे अब होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नॉन टेक के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट काफ़ी अच्छी ओपनिंग से काफ़ी अच्छा आपको पैकेज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वीजा कंपनी की तरफ से आ रही, फॉर द समर इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनोवेशन लोकेशंस के लिए। लोकेशन तो आउट ऑफ इंडिया है, यूएसए लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया के लिए भी हो सकती है और वर्क फ्रॉम होम ही होने वाली है जहाँ तक मुझे यहाँ पे वो लग रहा है। तो फटाफट अगर आप इंटरेस्टेड हो इस इंटर्नशिप के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो इसकी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्नाइप फंड आपको देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बिग अमाउंट में। तो मिस बिल्कुल मत करना, सिंपल आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कन्फर्म ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ द रेजिडेंट और फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना, एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, एजुकेशन आपकी क्या है, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की लिंक, आपको अपना रिज्यूमे यहाँ पे अप्लाई करना है। मैसेज टू हायरिंग मैनेजर को एक मैसेज देना है जिससे वो यहाँ पे चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो लिंक्डइन के करियर पेज पे आ रही है, लिंक्डइन पे पोस्ट की गई है। तो बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो लिंक्डइन के करियर पेज पे आती है या लिंक्डइन पे आती है, वो सारी आपको मेरे ऑफिशियल अकाउंट में, अगर आपने लिंक्डइन पे फॉलो कर रखा है मुझे या मेरे लिंक्डइन के करियर पेज को फॉलो कर रखा है, तो आपको वहीं पे भी देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना, कोई भी ओपनिंग्स आती है आपको सारी ओपनिंग्स वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर डेटा साइंटिस्ट के लिए होने वाली है, जो LTI माइंडट्री कंपनी की तरफ से हो रही, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, काफ़ी अच्छी लोकेशंस के लिए होने वाली है। डेटा साइंटिस्ट के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। पर्सनल कॉम्पिटेंसी की बात करें, यहाँ पे एक्सीलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल विथ विलिंगनेस टू वर्क इन चेन्नई होना चाहिए। शार्प एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकर होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिलायबल यहाँ पे होनी चाहिए। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा ऑफर यहाँ पे करती है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रेड हैट जॉब्स की तरफ से आ रही, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छे रोल और काफ़ी अच्छी लोकेशंस के लिए ये ओपनिंग्स देखने को मिल रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। पुणे लोकेशन के लिए ओपनिंग होने वाली है। यहाँ पे जॉब आईडी भी मेंशन किया गया, मैंने कई बार वीडियो में ये बताया है कि अगर आप यहाँ से कंपनी के करियर पेज से अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आने में काफ़ी टाइम लग जाए, बट आप यही चीज़ें लिंक्डइन में कनेक्शन बिल्ड करके जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर कंपनी ने जॉब आईडी मेंशन कर रखा है तो उस जॉब आईडी को आप बता के एक अच्छे से एक मैसेज करके जो भी अपना रिज्यूमे शेयर करके वहां से डायरेक्ट रेफरल भी ले सकते हो। तो अगर आप रेफरल लेकर अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से भी अप्लाई कर देना, रेफरल के थ्रू भी जाके कनेक्शन बिल्ड करके हायरिंग मैनेजर टीम से या रिक्रूटर के टीम से कनेक्शन बिल्ड करके, अगर आप कनेक्शन बनाओगे, सर्च करोगे, जाके कीवर्ड्स डाल के वहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी का नाम और रिक्रूटर या HR या एम्प्लॉय जो ऑलरेडी इस पोजीशन के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 100% आपको रेफरल मिल जाएगा।
और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स देखने को मिल रही है। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्या अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्क करना है। व्हाट वी विल ब्रिंग, आपको एक्सपीरियंस राइटिंग सॉफ्टवेयर प्राइमरी यूजिंग जावा होना चाहिए। तो जावा यहाँ पे नीडेड है, आपको जावा आनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल जावा के आपके क्लियर होने चाहिए। एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्टिंग, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड सॉल्व इशू एज दे आर एराइज। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किए। अगर आप फ्रेशर हो, एज वेल एज अगर अभी रिसेंट में ग्रेजुएट हुए हो, तो जब आके आप अप्लाई कर सकते हो। डिलॉयट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा पैकेज। डिलॉयट लगभग 7 to 10 LPA के बीच में यहाँ पे ऑफर कर रही है फॉर द मोर देन वन रोल। डेवलपर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, डिजाइनर के लिए तो अप्लाई कर देना फटाफट। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट अभी भी लिंक एक्टिव वेट है। कैपजनी इंजीनियरिंग PSS हायरिंग फॉर द इंजीनियरिंग MCA बैच 2021 22 2021 22 बैच के लिए हायरिंग कर रही है। गुड़गांव लोकेशन के लिए ओपनिंग देखने को मिल रही है। अप्लीकेशन की लास्ट डेट बात करें तो 30 दिसंबर, अभी 1 month आपके पास टाइम है, बट जाके अप्लाई कर देना। लिंक अभी भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में आपको 3 LPA का पैकेज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप BTech MCA बैच ग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। BTech MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2020, 21 और 22 बैच के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 3 LPA फॉर द इनिशियल 6 month के लिए आपको 3 LPA का यहाँ पे सैलरी होगा। आफ्टर द 3 month आपकी सैलरी यहाँ पे 4 LPA की हो जाएगी। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी PwC के कंपनी की तरफ से आ रही फॉर द इंटर्नशिप इंजीनियरिंग रोल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। 6 to 12 month रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये BCom BBA BSc सुटेबल ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेंस यहाँ पे होने वाली। गुड़गांव लोकेशंस के लिए 0 to 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर द कंपनी। और भी बहुत सारी मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे अगर हम वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की बात करें फॉर द इंटर्नशिप रोल, और ओरेकल कंपनी की तरफ से बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल। और भी बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको ऑनलाइन करियर सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। फटाफट जाके चेकआउट करना। आप लोकेशंस में यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जूहू, वैजू और GFG कंपनी हायरिंग कर रही है प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल के लिए, जाके चेकआउट कर लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू भाई।